फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जिसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। दैट मींस इन फॉर्मूलाज के बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते। दैट मींस आप अब सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो फॉर्मूला जिससे आप अब ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। आपने अभी तक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज का यूज करना सीखा है। आइए अब हम और उससे आगे चलते हैं। दैट मींस हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दैट मींस अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम एंड डिफरेंस के वो फॉर्मूलाज। दैट मींस आपने कुछ एंगल, आपके पास टू एंगल है, उनका सम एंड डिफरेंस आपको निकालना है। उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आपको उसका वर्क देखते हैं कि कैसे करना है। दैट मींस हम यहां करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टू एंगल्स का सम और आपको उससे भी आगे दैट मींस थ्री एंगल्स का सम और डिफरेंस पर भी लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड cos minus x is equal to cos x. 10 minus x is equal to minus 10x. Fourth, cot minus x is equal to minus cot x. Fifth, cosec minus x is equal to minus cosec x. Sixth, minus x is equals to sec x. आइए आप यहां देखेंगे कि साइन माइनस एक्स आपका माइनस साइन एक्स है, कॉस माइनस एक्स आपका कॉस है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स, और सेक माइनस एक्स सेक एक्स। इट मींस आपके पास कॉस और सेक, यहां पर माइनस साइन यूज हुआ है और यहां पर आपके पास क्या पॉजिटिव, तो ये दोनों फंक्शन आपके कौन से फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन। ये आपके हैं इवन फंक्शन। और अदर दीज फोर फंक्शन आर ऑड फंक्शन। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। जैसे आपके नंबर सिस्टम में इवन नंबर ऑड नंबर होते हैं, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इज इवन, अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू इज ऑड। सेम एज यहां पर फंक्शंस हैं, उनकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से बनती है। आइए देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। इवन फंक्शन A function f is said to be an even function if f of minus x is equals to f of x for all x. बोल रहा है आप उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे जिसमें f में माइनस एक्स लिखने से f ऑफ x आ जाए फॉर ऑल x, x आपका कोई भी नंबर हो। दैट मीन्स फॉर एनी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x आपने ले लिया सपोज x स्क्वायर, चेक करते हैं इवन है ऑड। आपने पुट किया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, मीन्स एफ एक्स आपके पास क्या है, यहां पर एक्स के माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, ये आ गया आपका माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसे आप ओपन कीजिए, स्क्वायर खोलिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। इट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने से आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, यहां पर आपके पास क्या हो गया, सो हेयर एफ इज इवन फंक्शन। तो ये आपका इवन फंक्शन है। ये थी डेफिनेशन आपकी इवन फंक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं ऑड की। तो उससे पहले देखिए आपका इवन फंक्शन क्या थे, कॉस
ये आपका cos x फंक्शन क्या आया, cos x, cos में आपने माइनस x पुट किया cos x आ गया, sec में माइनस x पुट किया sec x आ गया, इसीलिए ये क्या है, इस डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं, इट मींस दे आर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. अ फंक्शन f इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ, बट अ फंक्शन f इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x फॉर ऑल x. दैट मींस आप अपने फंक्शन में माइनस x पुट करेंगे और उसकी वैल्यू माइनस f ऑफ x आ जाएगी किसी भी x के लिए, तो आपका फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा. तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल f ऑफ x आपने ले लिया, सपोज x क्यूब ले लेते हैं, x क्यूब आपने चेक करना है कि ये इवन है ऑड, तो आप क्या करेंगे f में माइनस x रिप्लेस करेंगे, तो ये आ गया आपका f ऑफ माइनस x. तो आप क्या करेंगे, x जगह गया यहाँ क्या, आपने माइनस x रिप्लेस किया तो यहाँ माइनस x आ जाएगा. This, that means x के प्लेस पर माइनस एक्स आ गया होल क्यूब. इट मींस इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब. दैट मींस दिस इज माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स. इट मींस कि एफ में आप माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स. सो देयरफॉर एफ इज ऑड फंक्शन हेयर, f इज ऑड फंक्शन, ये आपका था ऑड फंक्शन. तो देखते हैं, साइन में आपने माइनस एक्स पुट किया माइनस साइन एक्स आ गया, टेन में माइनस एक्स पुट किया माइनस टेन एक्स आ गया, कॉट में माइनस एक्स पुट किया माइनस कॉट एक्स आ गया, कॉसेक में माइनस एक्स पुट किया माइनस कॉसेक एक्स आ गया, इसीलिए ये आपके क्या है, ऑड फंक्शन है. तो दे आर ऑड फंक्शन एंड कॉस एंड सेक आर ओनली इवन फंक्शन एंड अदर आर ऑड फंक्शन. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेवन फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई. कॉस एक्स प्लस वाई ओपन करते हैं, क्या आएगा ये आपका, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. एट फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस वाई, दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. नाइन, साइन एक्स प्लस वाई, दिस इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. टेन, साइन एन साइन एक्स माइनस वाई, दिस इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. ये आपके फोर फॉर्मूलाज जो हमने यहां लिखे हैं, ये सेम आपको किस तरह याद रखने हैं वो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे. फर्स्ट आपने यहां सेवन नंबर पे जो फर्स्ट हमने यहां जो सेवन नंबर पे आपने फॉर्मूला लिखा कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. माइनस वाई देखते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. तो ये देखिए, हम कॉस कॉस को सेम रिलेट करेंगे, कैसे याद रहेगा, हमें कॉस में आपको कॉस पहले लेके चलने हैं, कॉस के फॉर्मूले में क्या लेके चलना, कॉस पहले मतलब कॉस एक्स कॉस वाई, ये आपका x और y है, वैसे ही आपने cos x cos y पहले लेना है, फिर माइनस करना है sin x sin y, और दैट मींस अगर प्लस है तो यहां माइनस लगाना है और माइनस है तो यहां प्लस लगाना है, बाकी आपका दोनों फॉर्मूला सेम है. cos x plus y क्या, cos x cos y माइनस sin x, सिर्फ यहां प्लस है तो माइनस कर दिया. cos के cos वाले फॉर्मूले में cos cos साथ है और sin sin साथ में है, तो इट मींस cos पहले लेने हैं sin बाद में, और प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है देन प्लस लगा देना है, सिंपल. नेक्स्ट साइन एक्स प्लस वाई है, तो आपको साइन एक्स प्लस वाई में साइन पहले लेके चल रहा है, और एक साइन एक कॉस, तो साइन आपने पहले लिया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस है देन प्लस, माइनस है देन माइनस, और बाकी दोनों सेम है. इसमें भी साइन एक्स माइनस वाई है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. तो आपको साइन में साइन से स्टार्ट करना है, एक्स एंड वाई दो एंगल है, तो इट मीन साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस है देन प्लस कॉस एक्स साइन वाई. पहले आपने साइन पहले लिया फिर कॉस लिया, देन पहले कॉस ले लेंगे फिर साइन ले लेंगे, सेम एज इट इज हेयर, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. ये आपने फॉर्मूले इस तरह से याद रखने हैं. कॉस कॉस में आपने क्या करना है, दोनों कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस. साइन में आपने एक साइन एक कॉस लेना है, प्लस वाले प्लस और माइनस वाले माइनस लेके चलना है, बात करता हूं. नेक्स्ट देखते हैं टेन, टेन के फॉर्मूले, हमारा फॉर्मूला नंबर 11 है, बट इफ नन ऑफ एक्स
y एंड x प्लस वाई आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. दैट मीन्स ये पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए. नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए वो यहां देखते हैं. देन ये आपका फॉर्मूला होगा, क्या बनेगा ये टेन एक्स प्लस वाई का टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई. अगर आपके पास ये ऑड मल्टीपल हो गए पाई बाय टू के, तो सपोज आपका फर्स्ट मल्टीपल पाई बाय टू है, अगर 10 पाई बाय 2 हो जाता है या y 10 बाय पाई 10 पाई बाय 2 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे. 10 पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा. तो इसलिए आपके नॉट डिफाइंड नहीं होने चाहिए, इसलिए आप ऑड मल्टीपल नहीं लेंगे. ऑड मल्टीपल पे 10 इन्फिनिटी होते हैं. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, 10x माइनस वाई. ये आपका फॉर्मूला बनेगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y. 10x माइनस वाई और प्लस वाई में देखिए क्या रिलेशन है, बिल्कुल सेम आपको याद रखने हैं, सिर्फ चेंज कहां करना है आपको वो ध्यान देना है. 10x प्लस वाई है तो आपने ओपन किया फॉर्मूला 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y. 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y. और इसमें भी माइनस वाले में 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y. तो देखिए अगर आपके पास 10 का फॉर्मूला है तो आप ऊपर न्यूमिरेटर में 10x प्लस 10y करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस 10x 10y करेंगे. आप देखिए अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, आपको करना अपोजिट साइन. यहां माइनस है तो ऊपर माइनस न्यूमिरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में आपको प्लस करना, बाकी बिल्कुल सेम है. आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन प्लस था देन नीचे आएगा माइनस, 1 में से 10x 10y माइनस कर देना है. 10x माइनस वाई का होगा तो आपको न्यूमिरेटर में माइनस है तो आपको 10x माइनस 10y करना है और देन 1 प्लस 10x 10y कर देना है, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12. इफ नन ऑफ x y एंड x प्लस वाई आर मल्टीपल ऑफ पाई. आपके पास ये मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होने चाहिए. देन अगर ऐसा है तब आपके पास फॉर्मूला बनेगा कॉट एक्स प्लस वाई का और कॉट एक्स माइनस वाई का. क्या बनेंगे ये देखते हैं. कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट इज 1 बाय 10. आप 10 के फॉर्मूले में 1 बाय कॉट कर, इसे आप 10 में पहले कन्वर्ट करें देन सेम उस फॉर्मूले को ओपन करके सबको कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके पास से फॉर्मूला बन जाएगा. दैट मीन्स आपको क्या करना है, बिल्कुल उसका अपोजिट काम करना है, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल वाला काम करना है, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है. तो आपको बिल्कुल उसी तरह से काम करना है. तो आइए देखते हैं क्या ये आ जाएगा आपका, उसमें जो चीज डिनोमिनेटर में थी इसमें वो न्यूमिरेटर में आएगी. तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल उसका 10 का बिल्कुल अपोजिट. हम देखिए करते हैं cot y प्लस cot x, x से स्टार्ट है y से, उसमें डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस था, तो यहां पर फिर cot 10x 10y था, यहां पर आएगा आपके पास पहले cot x cot y देन माइनस 1. साइन प्लस है तो यहां नीचे प्लस आएगा और ऊपर माइनस आएगा. सेम माइनस है तो आप माइनस वाले में भी cot y माइनस cot x, और ये आ जाएगा आपका cot x cot y प्लस 1. माइनस है देन यहां माइनस और यहां पर आपका प्लस आएगा. इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलाज को याद रखोगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स 2x एंड 3x इन टर्म्स ऑफ x. अब आप देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल आपके पास 2x और 3x होंगे, उसे आप x के टर्म में कैसे लिखेंगे. तो ये देखिए आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 13. साइन कॉस 2x, cos 2x के आपके 4 फॉर्मूले होते हैं. cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4. तो देखिए कौन कौन से, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x सेकेंड, और इसे आप ये भी ले सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस sin स्क्वायर x
वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन के टर्म्स में। अब आपको इसका यूज कैसे करेंगे आप, कॉस टू एक्स के ये फोर फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको साइन एंड कॉस के टर्म में चाहिए देन आप इसका यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको कभी भी वन कैंसिल करने के टाइप में चाहिए, वन कैंसिल करना हो, कभी वन आ जाए तो उसे कैंसिल करने के लिए आपको वन का नीड हो, तब आप क्या करेंगे, इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर आप देखेंगे आपको कॉस के टर्म में चाहिए या साइन के टर्म में चाहिए। अगर कॉस के टर्म में चाहिए तो ये, और साइन के टर्म में चाहिए देन ये। आप और इसका यूज आप ऐसे भी करेंगे, जब आपको वन प्लस में दे रखा हो उसे कैंसिल करना हो तो आपको वन माइनस चाहिए तब ये यूज करेंगे। वन अगर कभी माइनस में है देन आपको प्लस वन चाहिए तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे। अगर आपको टेन के टर्म में चाहिए देन आप वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर इसका यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 14, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इन टर्म्स ऑफ टेन दिस इज टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इसमें आपको अब कंडीशन ध्यान रखनी होगी, जब आप टेन का फॉर्म यूज करेंगे टेन आपका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, दैट मीन जब भी आपका डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइंड ना हो, इस पर हम कंडीशन डालेंगे। साइन और कॉस इंफिनिटी होते नहीं, टेन होता है, तो टेन क्या रिस्ट्रिक्शन आपको डालनी पड़ेगी वो देखिए। अब आपको एंगल पर रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी कि ये जो एक्स है यहां आपका ये क्या नहीं होना चाहिए, एक्स एन पाई, एक्स आपका पाई बाय टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पर नॉट डिफाइंड होता है, तो हमें यहां रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी कि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, आप ऐसे लिख दीजिए या मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू लिख दीजिए, क्योंकि इस पर भी क्या होगा एन पाई, अगर एन वन हो गया पाई पर नो चेंज होगा देन मल्टीपल ऑफ पाई अपने आप ऑटोमेटिकली आता जाएगा, तो इस तरह से भी आप मेंशन करें मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू भी आप लिख सकते हैं। तो एक्स नॉट इक्वल टू दिस वेयर एन बी एन इंटीजर, एन आपका कोई भी इंटीजर हो, तो इस पर आपको ये रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी कि आपका ये नॉट डिफाइन ना हो, जहां भी टेन आएगा आप वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। यहां पर भी यही रिस्ट्रिक्शन आएगी कि एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, किसी भी इंटीजर एन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला नंबर 15, टेन टू एक्स, टेन टू एक्स का आपके पास ये सिंगल फॉर्मूला है, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहां पर आपके पास टू एक्स है तो आप इस टू एक्स पर रिस्ट्रिक्शन डाल दीजिए, टू एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आपके पास टू एक्स पाई बाय टू मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होना चाहिए ताकि ये नॉट डिफाइंड ना हो, ये नॉट डिफाइंड होगा नहीं तो ये भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स, इसका फॉर्मूला होगा आपका साइन थ्री एक्स। ये थे आपके टू एक्स वाले ये थ्री फॉर्मूले, कॉस टू एक्स, साइन थ्री, साइन टू एक्स, टेन टू एक्स। अब आपका आपको इसका यूज मैंने यहां बताया, इसका यूज आपको करना होगा अगर साइन कॉस के टर्म में चाहिए तो इससे, टेन के टर्म में चाहिए इसे, टेन टू एक्स का ये सिंगली फॉर्मूला है तो आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट साइन थ्री एक्स, और अदर इनको मॉडिफाई हम करेंगे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे हमें जिसकी भी नीड हो, हमें कॉस टू एक्स के टर्म में चाहिए कॉस स्क्वायर तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे, वन राइट ला करके टू से डिवाइड करके देन आपके पास हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो साइन स्क्वायर आ जाएगा आपका वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इस तरह हम मॉडिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां देखिए साइन थ्री एक्स, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, साइन थ्री एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ये आपका हो जाएगा साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स का। नेक्स्ट 17 कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स आपका हो जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। आपको इस तरह से याद रखने होंगे साइन थ्री एक्स, थ्री साइन एक्स, साइन थ्री एक्स में क्या है पहले साइन आएगा, थ्री के साथ साइन और फोर के साथ साइन क्यूब, इस तरह से आपको याद रखना होगा, नहीं तो इस इन फॉर्मूलाज में आपकी क्या होगी थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आपको लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी,
इस तरह से आप इन्हें रिलेट करें जिससे आपको ये इजिली याद हो सके। आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से, जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग याद रखता हूँ कि मुझे रखना साइन थ्री एक्स, मतलब साइन के केस में थ्री और साइन पहले, देन फोर के साथ क्यूब आना ही आना है तो वो फोर के साथ लगा देंगे, तो दैट मीन साइन थ्री एक्स मैंने याद रख लिया, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। सिमिलरली कॉस थ्री एक्स, अब फोर किसके साथ आना है, क्यूब के साथ, तो कॉस में पहले फोर आना है तो फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, इस तरह मैंने याद रख लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 18, ये है आपका टेन थ्री एक्स। टेन थ्री एक्स में आपको क्या याद रखना है, कुछ इस तरह से, थ्री टेन एक्स माइनस, जैसा ये यहां आपके पास किसे बना, साइन में बना है, जिस तरह ये साइन में बना है इस तरह आपको टेन में बनाना है। टेन में किस तरह से याद रखेंगे, अब यहां पर थ्री टेन एक्स तो आ गया, अब आपके पास यहां फोर नहीं आएगा, ये आएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन, टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। वेयर कंडीशन आप इस टेन में डालेंगे ताकि नॉट डिफाइंड ना हो कि थ्री एक्स नॉट इक्वल टू थ्री एक्स, दैट मीन थ्री एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ये आपके पास टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टेन थ्री एक्स आपको कैसे याद रखना है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। टेन का काफी कंफ्यूजिंग होगा तो आप ध्यान रखें, इसको बार बार रिमाइंडर करते रहें जिससे कि आपको रिवाइज करते हैं, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए। टेन थ्री एक्स, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर आपने साइन कॉस में तो याद कर लिया कि थ्री के साथ आपको क्या रखना है, पहले साइन, तो थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, कॉस में फोर कॉस क्यूब एक्स और साइन, बट थ्री कॉस एक्स, तो टेन में आपको क्या याद रखना है, थ्री के साथ स्टार्ट करना है, जैसे साइन के साथ स्टार्ट किया था, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ये थ्री आपका यहां नहीं आया, ये यहां आ गया, इस तरह से आपको याद रखना। ये आपके कौन से फॉर्मूले थे, ये आपके कॉस टू एक्स साइन टू एक्स टेन टू एक्स साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स एंड टेन थ्री एक्स के थे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट।